यहाँ पर एक और बात काबिले गौर है कि लाहौर में जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी कायम है वहाँ इस तरह की फैक्ट्रियां लगाने की इजाज़त नहीं। तो आखिर जिलाई हुकूमत और एलडीए की जेरे निगरानी इन जगहों पर ही ऐसे वाकयात रोनुमा क्यों होते हैं? क्या कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से ये फैक्ट्रियां इन इलाकों में मौत का कारोबार कर रही हैं? मुतलका महकमों के पास क्या ऐसे गैर कानूनी काम करने वाली फैक्ट्रियों के आदादो शुमार मौजूद है? अगर है तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई जाती? और अगर वो इनसे ला इल्म है तो क्यों? क्या ये सब इंसानी जानों का खेल खेलने के मुतरादिफ नहीं है? क्या मुतलका महकमों के अफसरान पर इन अमवात की जिम्मेदारी आयद नहीं होती? सानिहा खड़क बाजार मुतासरीन और उनके लवाहकीन मुद्दतों फरामोश ना कर पाएंगे। वजीर आला शहबाज शरीफ ने वाकिए का नोटिस ले लिया है, तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, लवाहकीन के लिए इमदादी रकूम का ऐलान भी कर दिया गया है। इमदादी रकूम जो कि किसी भी इंसानी जान का बदल हरगिज़ नहीं हो सकती। देखने की ज़रूरत यह है कि सिर्फ तहकीकात उसी सूरत में क्यों की जाती हैं जब कोई ऐसा वाकिया पेश आ जाता है। वाकिया से कबल ही ऐसी चीज़ों का नोटिस लेने की ज़रूरत है और इनके सदे बाप के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस अम्र की भी है कि शहर में ऐसी और कितनी फैक्ट्रियां इस वक्त काम कर रही हैं, उन्हें फौरी तौर पर फैक्ट्री एरिया में मुंतकिल किया जाए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे सानहों से बचा जा सके। इसके साथ ही अपनी होस्ट निगार खुरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।